Hey, so guys, Harshad, but I'm back with a new video. और आज यहाँ पर हम बात करने वाले हैं माजगांव डॉकयार्ड आईपीओ के बारे में. तो वेल, यहाँ पर इससे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी और जहाँ पर जैसे एक्सपेक्ट किया था वैसे के वैसा ही ये यहाँ पर रिस्पांस दिखाया है इसने. आई होप आपने मेरी वहाँ पर वो एलाबोरेशन वाली वीडियो देखी होगी. यहाँ पर अभी हम सब्सक्रिप्शन स्टेटस को मैनेज देखेंगे कि कैसा आया है. फर्स्ट डे का सब्सक्रिप्शन स्टेटस हम देख सकते हैं यहाँ पर. क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन 0.04, नॉन इंस्टीट्यूशन 0.78, रिटेल 5.65, एम्प्लॉय 0.28 एंड टोटल 2.09 सब्सक्राइब. यहाँ पर ये ओवर सब्सक्राइब हो गया है. नॉन इंस्टीट्यूशंस का एक मुझे मोर देन एक्सपेक्टेड यहाँ पर दिखाई दे रहा है फर्स्ट डे के हिसाब से मुझे मोर देन एक्सपेक्टेड नज़र आ रहा है. क्वालिफाइड 0.04 यानी आया है, आगे जाके और आएगा. और रिटेल का काफ़ी अच्छा आया है. तो यहाँ पर फर्स्ट डे का रिटेल का देख के मुझे तो ये लग रहा है कि रिटेल का काफ़ी अच्छा यहाँ पर रिस्पॉन्स आने वाला है. और नॉन इंस्टीट्यूशंस का भी यहाँ पर नज़र आ रहा है क्वालिफाइड के साथ साथ. तो सो फार इट्स गोइंग सो गुड. एंड अलॉटमेंट में थोड़ा सा यहाँ पर इशू हो सकता है क्योंकि पहले ये और सब 5.65 हो गया है. तो आगे जाके दो दिन ये और बढ़ेगा. मुझे लगता है कि रिटेल का यहाँ पर अराउंड 15 to 20 तक जा सकता है. नॉन इंस्टीट्यूशंस का यहाँ पर हमें थोड़ा देखना पड़ेगा क्योंकि नॉन इंस्टीट्यूशंस गया तो यहाँ पर डायरेक्ट 100 के ऊपर भी जाएगा या तो 4 भी पार नहीं कर पाएगा. आप सभी को पता है, आप सभी ने पिछले आईपीओस देखे, थोड़ा एक्सपीरियंस आ गया होगा आपको भी. तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो नॉन इंस्टीट्यूशंस और क्वालिफाइड के ऊपर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है. रिटेल का तो पहले हो चुका है, ज़्यादा मैटर करता नहीं है अभी फिलहाल. बट नॉन इंस्टीट्यूशंस और क्वालिफाइड का देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि उनका कैसा होता है. ओवर सब्सक्राइब तो नॉन इंस्टीट्यूशंस कल ही हो जाएगा मोस्ट प्रॉब्ली, मुझे तो लगता है. क्वालिफाइड का देखना है कि क्वालिफाइड लास्ट डे पे एक्चुअली में आते हैं एक्टिवली या कल से ही एक्टिवली स्टार्ट कर देते हैं. मुझे लगता है लास्ट डे में ये यहाँ पर काफ़ी अच्छा आएंगे. मैं कल भी एक वीडियो बना दूंगा इसको कंप्लीटली एनालाइज करते हुए. सो फार आपको क्या करना चाहिए, मुझे तो लगता है आपको यहां पर एटलीस्ट सब्सक्राइब कर लेना चाहिए लिस्टिंग गेंस के लिए क्योंकि दो दिन मुझे लगता है प्रॉब्ली ज्यादा आएगा. आगे देखना पड़ेगा कि कितना आ सकता है. एक कंफर्मेशन के लिए आप फिर भी थोड़ा सा अगर कंफ्यूज हो तो भी कल के वीडियो के लिए रुक सकते हो. मुझे तो लगता है कि करना चाहिए, हो सकता है दो दिन है हमारे पास, अच्छा आएगा. बट फिर भी एक एटलीस्ट आप यहाँ पर रिस्क नहीं लेना चाहते तो कल के वीडियो के लिए रुको मेरे, कल देखते हैं हम कैसा आता है. कल अगर ये खराब परफॉर्म किया तो थर्ड डे पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंसी आ जाएगी. इसके वजह से यहाँ पर कल की वीडियो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कल भी देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कितना सब्सक्राइब होता है. बट सो फार इट्स गुड, सो फार मुझे लगता है कि यहाँ पर करना चाहिए. दो दिन है, दो दिन में काफ़ी अच्छा यहाँ पर सब्सक्रिप्शन आएगा. फर्स्ट डे के हिसाब से इट इज़ वेल एंड गुड. आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आ गई होगी. रुको, सबर करो. इसका ग्रे मार्केट प्राइस जो है अभी तक थोड़ा ऊपर नीचे चल रहा है तो अभी मैं रिवील कर दूंगा, आप थोड़ा यहाँ पर उथल पुथल हो जाओगे. इससे अच्छा है कि इसका एक्चुअल में सेकेंड डे और थर्ड डे के बाद ग्रे मार्केट हम देखना स्टार्ट कर देते क्योंकि आज से ही इसका ग्रे मार्केट प्राइस परफेक्टली आता नहीं है. हमने ऐसे काफ़ी सारे आईपीओस में देखा है कि फर्स्ट डे का जो सब्सक्रिप्शन के बाद का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम होता है वो थोड़ा कभी ना कभी ऐसा फ्लक्चुएट करता है, वो परफेक्ट बिल्कुल भी नहीं होता कभी भी. इसलिए सेकेंड डे और थर्ड डे के बाद ही इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम एक्चुअल में ट्रू दिखाना शुरू कर देता है. इसलिए अभी ग्रे मार्केट के प्रीमियम के ऊपर जाओ मत फर्स्ट डे के, सेकेंड डे थर्ड डे के बाद यहाँ पर एक्चुअली में यहाँ पर स्टेटस चालू होता है. एक्चुअली में वो अलॉटमेंट के बाद ठीक से आता है बट सब्सक्रिप्शन तो हमें पहले ही करना है ना, इसलिए सब्सक्रिप्शन के टाइम पर भी थोड़ा देखना पड़ता है. बट सेकेंड एंड थर्ड डे का देखो, फर्स्ट डे पर ज़्यादा निर्भर नहीं करना होता है ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से. या सब्सक्रिप्शन स्टेटस अगर देखा जाए तो फर्स्ट डे के हिसाब से काफ़ी अच्छा. आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आ चुका होगा. इट्स हर्ष विद पसंद है. ड्रॉप द बॉम्ब.